हाँ, मेल से क्या आएगा, मेल गैमिट, फीमेल से आएगा फीमेल गैमिट। अब जब गैमिट बन जाता है तो गैमिट देख लो, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, ये जो जनरेशन है ना गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, ठीक है। तो मतलब ये इसका जो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपको पता है ना, एन टू एन क्या होता है, एन हैप्लॉइड डिप्लॉइड, यू नो दैट। अब बता दो मुझे एक बार, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट आप लोगों को पता है, कब हैप्लॉइड होगा कब डिप्लॉइड होगा। बिफोर फर्टिलाइजेशन इज हैप्लॉइड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज डिप्लॉइड, ठीक है, ये हमें पता है, ये सिंपल सी चीज है। तो मेल विल फॉर्म अ मेल गैमिट, ठीक है, मेल विल फॉर्म अ मेल गैमिट एंड फीमेल विल फॉर्म अ फीमेल गैमिट। अब व्हाट हैपेंस इज, अभी ये दोनों हो जाएंगे फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन होती क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा, टू एन हो जाएगा। टू एन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन। इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो ह्यूमंस में बनता, एनिमल्स में बनता, इसमें नहीं बनेगा। जाइगोट विल ऑल्सो बी टू एन, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर जाइगोट है ये क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, ये जो जाइगोट है क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेशन के बाद भी जो प्लांट बॉडी बनेगी दैट विल ऑल्सो बी टू एन, करेक्ट है, क्योंकि जाइगोट अगर टू एन है तो जो बॉडी बनेगी, तो जब ये जाइगोट जर्मिनेट होगा और जब ये प्लांट बनेगा वो भी टू एन ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो माइटोसिस, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, इसमें क्रोमोसोम के नंबर उंबर कुछ कम नहीं होते हैं, जैसा जैसा है लाइक जाइगोट है इट विल जस्ट मल्टीप्लाई, जो सेल्स हैं जाइगोट के ना, जाइगोट के जो सेल्स हैं ये सेल्स सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को एंड ग्रो हो जाएगा पूरा प्लांट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो हम देखते हैं, एल्गी जो हम देखते हैं, मतलब जो काई जिसको हम बोलते हैं, जो मानसून के सीजन में हम यहाँ वहाँ देखते हैं, तो वो बन जाएगी, दैट विल बी टू एन। तो ये टू एन वाली जनरेशन होती है ना, इसको हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक यानी गैमीट वाली जनरेशन, जो जनरेशन गैमीट फॉर्म करने वाली है, दैट इज गैमेटोफाइटिक जनरेशन। एंड स्पोरोफाइट इज उल्टा, स्पोरोफाइट मतलब प्रॉपर प्लांट स्ट्रक्चर जिसका जो ये है एंड इट विल बी टू एन, जो ये है क्रोमोजोम इट विल बी टू एन, ठीक है। यहाँ पे एन होगा, इट विल बी डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट विल बी हैप्लॉइड, ठीक है। अब देखो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में कोई वो नहीं है। अगला थर्ड आई थिंक नेक्स्ट जो यूनिट होती है आपकी सेल ही होती है, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी के समझो इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस, इसमें कोई क्रोमोजोम का रिडक्शन नहीं होगा, मतलब इफ इट इज टू एन ना, अगर वो टू एन है तो वो टू एन ही रहेगा, ठीक है, और अगर वो एन है तो वो एन ही रहेगा। बस क्या होगा, सेल मल्टीप्लाई कर जाएंगे बहुत, टेन नंबर ऑफ टाइम्स। सबको देखो ना, ये जो जायगोट का इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये छोटे से स्ट्रक्चर को अगर इस स्ट्रक्चर में फॉर्म करना है तो इसको क्या ही करना पड़ेगा, इसको अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा। वो वही कर रहा है, अपने आप को डिवाइड ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो देखो, अब जब नेक्स्ट चीज तुम देख रहे हो ना, अब इसमें क्या होता है, हमारे केस में दिस इज दी, ये ऑफ स्प्रिंग हो गया हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में लाइफ साइकिल आपको पता होगी, तो हमारे केस में जो जाइगोट है, यहाँ जाइगोट है, इसका एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो विल डिवाइड, जो छोटा है सेल्स विल डिवाइड एंड एक पूरा प्रॉपर एक अडल्ट बन जाएगा जो ये फॉर्म में है, ठीक है। देन अडल्ट विल डायरेक्टली बिहेव एज ये मेल गेमेटोफाइट, वो डायरेक्टली गेमेट्स निकालता है, लाइक द मेल गेमेट विल लाइक इट विल ब्रिंग स्पर्म्स एंड फीमेल गेमेट विल ब्रिंग एग। में ह्यूमंस में ऐसा होता है, बट इसमें देखो, इसमें क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, बीच में एक जो स्टेप आ जाता है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर से और एक बार जर्मिनेशन होगा। यहाँ से देखो जायगोट टू एन है, ठीक है, ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा, एक प्लांट बॉडी बनाएगा, दैट इज ये वाला टू एन वाला स्पोरोफाइटम जिसको बोल रहे हैं। यहाँ पे हुआ माइटोसिस, ओनली डिवीजन। अब देखो अब क्या हो रहा है, टू एन से हम क्या बना रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं, स्पोर्स क्या है, एन है, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस। अब मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ये आपकी अपनी नोटबुक में लिखते रहो, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। देखो टू एन को वो एन में कन्वर्ट कर रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन सिर्फ सेल नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा, मियोसिस इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स सेल भी डिवाइड करेगा बट क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देगा, क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ कर देगा। टू एन से हमारा क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये देखो इसने क्या करा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन मियोसिस होने पे क्या बना दिए, स्पोर्स बना दिए। अब ये जितने सारे स्पोर्स हैं ये अपने आप अभी क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ये क्या करेंगे, अपने आप क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। सेम चीज स्पोर्स का काम ही वही है, स्पोर्स जाएंगे और अपने आप जैसे ही उनको अपनी कंडीशन मिलती है, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है, वो जर्मिनेट कर जाएंगे। फिर हमें ये मिल गया,
अब बताओ इस पर्टिकुलर प्लांट को, आप मेरे को कमेंट यहाँ पे देना चैट सेक्शन में, इस पर्टिकुलर स्पोर जर्मिनेटिंग स्पोर को अगर ये में फॉर्म में बनना है, ये गेमेटोफाइटिक फॉर्म में बनना है, तो उसको क्या करना होगा, कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन उसको करना होगा, आप लोग ही बताओ। व्हाट लिखा हुआ है वो अलग बात है, बट फिर भी बताओ ताकि एक बार आपको क्लियर हो। समझ गए, ठीक है, ऑलमोस्ट सब सही दे रहे हो, तो उसको पता चल गया आप लोगों की छोटा है। नाउ इट इज एन, अब एन से क्या ही हाफ होगा, एन से क्या ही हाफ होगा, इट इज ऑलरेडी एन बिकॉज मियोसिस तो हो चुका है उसका। अब जो जर्मिनेटिंग स्पोर है डायरेक्ट इनमें होगा माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, और ये बन जाएंगे ये मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट। सिंपल, दिस इज द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी जर्मिनेट करती है स्पोर्स, स्पोर्स जर्मिनेट करके बनाएंगे मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट क्या करेंगे, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेंगे, मेल गैमेट बनाएंगे फीमेल गैमेट बनाएंगे। गैमेट यू ऑल नो फर्टिलाइज करते हैं, 2N हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है 2N, जाइगोट जर्मिनेट होगा, इट विल फॉर्म अ स्पोरोफाइटिक बॉडी दैट विल बी 2N, स्पोरोफाइटिक बॉडी 2N हो गया। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स को जर्मिनेट करना है तो स्पोर्ट्स विल अंडरगो मियोसिस, दिस प्लांट बॉडी विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होने पर हमें बनेंगे स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स विल अगेन अंडरगो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद फिर से होगा माइटोसिस टू फॉर्म मेल गेमेटोफाइट। ये और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। अब देखो, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट रिमेन्स द सेम, जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट रिमेन्स द सेम, मतलब जो आप देख रहे हो ये साइकिल ना, ये हमेशा सेम ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ द डिफरेंस कम्स हियर, जो ये स्पोर्स है ना, जो ये स्पोर्स बन रहे हैं, ये जो स्पोर्स किस किस टाइप के बन रहे हैं, यहाँ डिफरेंस हो जाता है कि इफ द स्पोर इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, मेल मोटाइल है फीमेल मोटाइल है, व्हाट इज द शेप ऑफ द स्पोर्स, यहाँ पर जाके आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें बस वही देखना है, तो ये है बेसिक्स लाइफ साइकिल, इसको आपको माइंड में रखना है। वैसे मोस्टली इसकी साइकिल नहीं पूछते हैं, साइकिल जिसकी पूछेंगे वो है ब्रायोफाइट, जिसको हम काफी डिटेल में करेंगे, साइकिल आज ही हो जाएगा मेरे हिसाब से अगर हुआ तो इसकी साइकिल यूजली नहीं पूछते हैं। इसके जो क्वेश्चन देखो आपको, यू नो ना संडे का आपका टेस्ट है, पोर्शन पता है, संडे को जो आपका टेस्ट है उसका पोर्शन पता है? नो 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 नो, किसी ने नहीं बताया क्या? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी आज के लिए ना। मेरे को वैसे बोला गया था कि अलगी, अरे ओ जयदीप, डायमेंशन एनालिसिस बायो पढ़ा रहा हूँ मैं डायमेंशन एनालिसिस करवा रहे हैं, बायो पूछ रहा हूँ, एनालिसिस ही करते रह जाओगे। नो हाँ ठीक है, देखो इसमें क्या है, मैंने प्रॉपर पिछले नीट के सारे क्वेश्चन उठाए, अगर वो आपने कर लिया ना तो यू विल अंडरस्टैंड लेवल क्या है, और इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरी शीट में नहीं है, ठीक है। उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पर्टिकुलर शीट में नहीं है। अब आपको क्या करना है, लिख लो कहीं पे, सिर्फ अलगी ही चैप्टर पढ़ना है, अलगी ALGAE, सिर्फ अलगी पढ़ के आना है इस पर्टिकुलर थिंग का। अलगी में एटलीस्ट जो देखो स्पायरो वगैरह है, स्पायरो वगैरह तक पूरा पढ़ लो, जितने चार्ट्स हैं जितने एग्जाम्पल्स हैं सब एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए, कि अगर आप रेड एल्गी पढ़ रहे हो तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल, ब्राउन एल्गी पूछ रहे हो तो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल, उसके यूजेस, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, उसके अंदर कौन सा फूड स्टोर्ड है, ये हम आगे करने वाले हैं। बट इसी टाइप के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि वॉट इज थैलस, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये बच्चे वाले क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछा जाएगा, नीट वाले नहीं पूछेंगे। तो लेवल है कहाँ से पढ़ना है, मिस्टर प्रज्वल जो आप शीट मुझे देख रहे हो, ये शीट आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड कर रखी है हमने, यू हैव अ सॉफ्ट कॉपी विद यू आई गेस, ठीक है। आपको यही पढ़ना है, सिर्फ अलगी तक पढ़ो, एंड आई एम डैम श्योर 15 out of 15 आप लोग ले आओगे, बट ये जो पूरी शीट है आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। जितने भी लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो शीट है टिल अलगी आपका एग्जाम में आ रहा है, अलगी आपको पूरा पढ़ लेना है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि लेवल क्या है उस एग्जाम का, ठीक है। अगर आप 15 में से, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आप 12 से भी नीचे करते हो ना, दैट मीन्स आपने सही से नहीं पढ़ा, इतना इतना वो है, इतना इजी पेपर है, लाइक यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट एंड टिक इट, रिमेंबर इट टिक इट, 15 क्वेश्चंस 15 सेकंड्स में खत्म कर दोगे आप, इतना इजी है। बस उसके लिए आपको ये जो है वर्ड बाय वर्ड, ये जो पूरा जो मैंने शीट दिया एलगी का, याद होना चाहिए, ठीक
ठीक है, याद इन दिन रट्टा नहीं मारना है, इसमें वैसे भी कुछ याद करने लायक है नहीं, बट यू जस्ट यू शुड रिमेम्बर स्पायरो वगैरह वाला करना है। स्पायरो वगैरह इज इंक्लूडेड इन एल्गी ना, उसके बाद ब्रायोफाइट स्टार्ट हो रहा है, तो स्पायरो वगैरह भी करना है। कुछ नहीं है स्पायरो वगैरह, सिर्फ कॉन्जुगेशन है उसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे आज, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे ये देखो एक जस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब ये ऊपर वाला देखो, ये वाला हमने पढ़े थे स्पोर्ट्स, इसमें से बता दो भाई मोटाइल स्पोर कौन सा होता है, बिना देखे बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो, पढ़ो मत, मोटाइल स्पोर कौन से होते हैं, मैं इसको छुपा लेता हूँ। इनमें मोटाइल स्पोर कौन से होते हैं बताओ, जितने असेक्सुअल में हमने स्पोर्ट्स पढ़े थे इनमें से मोटाइल कौन से होते हैं, पिछली बार पढ़ा था मोटाइल स्पोर्ट्स कौन से होते हैं, बताओ बताओ, वापिस से गूगल कर रहे हो या क्या कर रहे हो इतना टाइम। राइजोपस, अथर्व जी आप फर्स्ट क्लास में आए हो क्या, इज दिस योर फर्स्ट क्लास विद मी, जितनों ने पिछली बार की है क्लास वो भी नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर तो क्या ही इसका ऑप्शन, वही क्या हुआ, बता दिया मैंने ऊपर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप स्पोर्स देख पढ़ पढ़ पा रहे हो, हिप्नोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, जूओस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, याद है कि नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि रिवाइज करके आए हो आप लोग, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं आता नहीं कर दो ना, जीरो कर दो, नहीं आ रहा है खत्म करो, जल्दी बताओ, लेकिन टाइम मत लगाओ, कुछ तो टाइप कर दो भाई, यस नो यस नो। प्रज्वल दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो कोई इशू नहीं है। सरिता मे भी आप पहले थे, बाकी लोग जो थे प्लीज कोई भी बता सकता है, अरे देख लो भाई, चलो देख लो, तुम देख के ही बता दोगे वो भी बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे सामने शीट खुली हुई है, बता दो कौन से मोटाइल स्पोर्स हैं इन अलगी। हाँ तो अथर्व दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो सबको तो बनता ही नहीं आंसर देने का, कोई सीन ही नहीं बनता है। ठीक है, यू ट्राइड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इट्स ओके, बट अगर आप किस फर्स्ट टाइम किसी की क्लास अटेंड कर रहे हो, दैट मीन्स यू शुड जस्ट रिवाइज। और ये शीट आज नहीं दी गई है आपको, ये शीट आपको बहुत पहले दे दी थी हमने, लाइक बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ माई क्लास, तो आपको एक एटलीस्ट जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, यार 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे पूरी शीट पढ़ने में। जू स्पोर्ट्स है, सिंपल चीज, अब ये देखो बेसिक थी, हमने उस टाइम पे भी पढ़ी थी, जू याद रखना, जू याद रखना, जू में क्या होते हैं एनिमल्स, एनिमल्स मूव करते हैं यहाँ वहाँ, सिंपल चीज है, वो भी भूल रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन हैं कल के संडे के एग्जाम में, अगर सुपरफिशियली पढ़ के जाओगे तो नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो लेवल पता चल गया क्या है, मतलब डिटेल्ड पढ़ना है आप लोगों को, क्या है, डिटेल में पढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, डिटेल में पढ़ना है। और ए बोल रहा हूँ 15 के 15 क्वेश्चन इसी शीट से हैं, 15 के 15 क्वेश्चन इसी शीट से हैं, नॉट इवन योर एनसीईआरटी। मोटाइल का मतलब क्या है, मोटाइल का मतलब क्या है, हम मोटाइल हैं, प्लांट्स नॉन मोटाइल हैं, समझ गए, हम मोटाइल हैं, प्लांट्स नॉन मोटाइल हैं। ठीक है, मोटाइल इज अपने आप मूव कर सके, वी आर मोटाइल्स, एनिमल्स आर मोटाइल, हम घूम सकते हैं, प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, वो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, दैट इज नॉन मोटाइल, खुद से उसको उठा के हम यहाँ वहाँ कर सकते हैं, बट वो खुद से नहीं हो सकता, दिस इज मोटाइल नॉन मोटाइल। तो जब स्पोर्ट्स की बात होती है, यूजली फीमेल स्पोर्ट्स नॉन मोटाइल होते हैं और मेल स्पोर्ट्स मोटाइल होते हैं, तो फीमेल स्पोर्ट्स अब जहाँ पे बनता है फीमेल गैमेटेंजिया में वहीं रहता है, और मेल स्पोर आके फर्टिलाइज करके जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये चीज़ याद रखना, मोटाइल नॉन मोटाइल, मोटाइल इजीली मूवेबल, नॉन मोटाइल इज फिक्स्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल मूव नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो आपको लेवल समझ में आ गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इतने डिटेल्ड हैं क्वेश्चन, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि जो स्पोर्स, और ये सब एग्जाम्पल देख रहे हो पीछे, क्लैमाइडोमिनस, वल्चेरिया, अल्थ्रिक्स, सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी आज तक नीट में क्वेश्चन आए हैं अलगी से ना, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स, किसी ने कंसेप्ट नहीं पूछा है, सारे एग्जाम्पल पे बेस्ड हैं।
ठीक है, वो आप कल का टेस्ट दे दो, मंडे का संडे का टेस्ट दे दो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमने ये साइकिल आपको ध्यान में रखनी है, साइकिल हमने पढ़ ली, अब चलते हैं। मैंने जो बताया कि ये हम किस पे डिस्टिंग्विश करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अल्गी, इट विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्स इज प्रोड्यूस्ड, कौन कौन से टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ स्पोर्स या गेमीट, दोनों चीज बोल सकते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ स्पोर्स या गेमीट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ गेमीट्स की बात चल रही है। ठीक है, कौन कौन से टाइप के गेमीट्स फॉर्म होते हैं, देखो। अब पहला जो चीज है दैट इज आइसोगैमी। आइसो मतलब किसी को पता है, केमिस्ट्री अगर पढ़ ली हो तो, आइसो, हाँ, आइसो मतलब आइसो सिमिलर, यस सेम, आइसो मतलब सेम। चलो चलो चलो, केमिस्ट्री तो अच्छी है आपको, बोल सकता हूँ। बॉटनी का भी पता नहीं चला, बायो का पता नहीं चला, संडे को पता चलेगा। ठीक है, देखो आइसोगेमी इट रीड करते हैं एक बार, उसके बाद अगर कुछ डाउट रहता है हम वापस कर लेंगे। ठीक है, देखो आइसोगेमी इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। फ्यूजन ऑफ व्हाट? फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, क्या हम कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमीट तो फ्यूज करेंगे ही करेंगे। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में, लुक वाइज, फिजियोलॉजिकली मतलब फंक्शन वाइज, दिखने में एंड फंक्शन में सिमिलर है, दिखने में, ठीक है, दिखने में एंड फंक्शन वाइज क्या है, सिमिलर है। दे आर कॉल्ड आइसोगेमिट्स, आइसोगेमिट्स सेम, आइसो एनी सेम, गेमिट्स एनी गेमिट्स, आइसोगेमिट्स। एग्जाम्पल क्लाइडोमिनस ले लेना, डायटम्स, देर आर सिंप्लीफिकेशन ऑफ आइसोगेमीज रिप्रोडक्शन। सिंप्लीफिकेशन मतलब डायटम्स का जो जो रिप्रोडक्शन होगा आइसोगेमीज का, बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है, ज्यादा उसमें वो नहीं होता, इजिली डिस्टिंग्विश करते। तो ये लास्ट लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती आप लोगों के लिए, आपको बस आइसोगेमी याद रखना है। वॉट इज आइसोगेमी? फ्यूजन ऑफ सिमिलर गेमिट्स, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होंगे ये गेमिट्स आपके लिए। ठीक है, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है? स्पीड ठीक है, कोई हम फास्ट नहीं जा रहे, जल्दी बता दो। डाउट होता है उसी समय बता दिया करो, बाद में तो वैसे भी नहीं पूछते आप लोग, उसी समय पूछ लो तो भी ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आइसोगेमी हो गया सिंपल, आइसो एनी सेम। नेक्स्ट इज एन आइसोगेमी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या होगा मुझे नहीं पता, बताओ आप लोग क्या होगा। एन आइसोगेमी, आइसो के आगे एन लग गया है, ए से एबसेंट होता है, मतलब एन आइसोगेमी। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? अगर ये आइसोगेमी है और ये एन आइसोगेमी है तो इसमें क्या होना चाहिए? नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, सिंपल। कुछ याद करने की जरूरत है, आइसोगेमी याद आ जाएगा, गैमीट्स हैं, या तो गैमीट्स एक जैसे दिखेंगे या अलग अलग दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे तो आइसोगेमी, अलग अलग दिखेंगे तो एन आइसोगेमी। ठीक है, क्लियर है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, गैमीट्स तो दो ही होंगे फ्यूजन के लिए, ठीक है, विच आर डिससिमिलर। करेक्ट आंसर इज डिससिमिलर, विच आर डिससिमिलर। एग्जाम्पल इज क्लमाइडोमिनस। देखो ये अलग अलग वेरायटी होती है, अब ये मत समझना कि क्लमाइडोमिनस यहाँ पर भी तो है, अब बोलोगे क्लमाइडोमिनस यहाँ पर भी तो है और यहाँ पर भी तो है। सी दिस इज क्लमाइडोमिनस यूगेमिटोस, यूगेमिटोस, ठीक है, तो ये अलग अलग इनकी स्पीसीज होती है, ठीक है, अलग अलग इनकी स्पीसीज होती है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो क्लमाइडोमिनस बहुत जगह आएगा इसलिए, ठीक है, ऐसे ये मत बोला कि दोनों जगह है, अभी देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो क्लमाइडोमिनस है, एक्टोकार्पस है, इन पंडोरिना है, ठीक है, पंडोरिना है, ठीक है, ये दो तीन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल है जैसे क्लमाइडोमिनस, पायरोगायरा, एक्टोकार्पस, ये जितने जहां भी आएंगे ना ये वाले याद रखना। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो मैं आगे आपको प्रॉपरली उसको अंडरलाइन करवाऊंगा, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी नॉर्मल तो आपको एल्गी के एग्जाम्पल याद हो ही जाता है, उसमें कोई वो नहीं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इसको। When the two gametes are, अभी अभी देखो डिफरेंस कैसे आता है। When the two gametes are morphologically dissimilar, the isogamy is said to be morphological. अगर वो सिर्फ दिखने में अलग हैं, अगर they are just like अब देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो उसको, देखने पे अगर आपको अलग अलग लग रहे हैं, then it will be called as morphological isogamy, an isogamy, morphological an isogamy. Example देख लेना, chlamydomonas ectocarpus है, ठीक है। उसके बाद हेयर द स्मॉलर गैमिट मे बी कॉल्ड एज मेल, हेयर द स्मॉलर गैमिट मे बी कॉल्ड एज मेल एंड द लार्जर वन इज कॉल्ड एज फीमेल,
ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस है, इसीलिए देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, मेल इज स्मॉलर फीमेल इज बिगर इन साइज, तो आप पता कर पाओगे देख के, अब बता पाओगे कि हाँ ये तो छोटा और ये बड़ा है, तो ये आइसोगेमी तो नहीं है, दोनों सेम तो नहीं है, बट ये एन आइसोगेमी है, एन आइसोगेमी भी आप देख के बता पाओगे अरे एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है, दैट मीन्स ये मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगेमी है। ठीक है, अगला पढ़ो तो एक चीज समझ में आ जाएगी, वेल द टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, अगर वो दिखने में सेम है, अगर वो दिखने में सेम है बट दे डिफर इन देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर में अगर उनमें चेंजेस है, फिजियोलॉजिकली कुछ चेंजेस है, इंटरनली कुछ चेंजेस है, तो हम उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी, उसको बोलेंगे हम फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी। ठीक है, समझ गए, फिजियोलॉजिकली फंक्शन वाइज अगर कुछ डिफरेंस है उनमें, दोनों दिख सेम रहे होंगे आपको बट फंक्शन वाइज डिफरेंट है, तो फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी, एन आइसोगेमी सिंपल चीज, एन आइसोगेमी डिससिमिलर, दोनों गैमेट डिससिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिससिमिलर हो सकते हैं या फिर फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर होते हैं। समझ में आ गया, नेक्स्ट चलें, जल्दी बता दो समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, जल्दी बता दो जल्दी बता दो जल्दी बता दो, यस 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 यस, जल्दी जल्दी बता दो, ओके कोई डाउट नहीं है, आइसोगेमी एन आइसोगेमी, अब इसको याद करने में कुछ वो है, मतलब ऐसा कुछ है जिसने आपने मतलब नहीं बताया क्या कैलकुलेशन किए हो, कैलकुलेटर यूज किया हो, कंप्यूटर यूज किया हो, ऐसा कुछ है इसमें याद करने लायक भी, जो वर्ड है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आइसोगेमी खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं क्या हूँ, एन आइसोगेमी खुद एक्सप्लेन कर रहा है मैं क्या हूँ, इफ यू नो आइसोगेमी, तो आइसोगेमी में हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, वही चीज डिफरेंशिएट करती है एन आइसोगेमी में भी, एन आइसोगेमी में भी दो टाइप है, कौन कौन से, मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगेमी, फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी, कुछ कुछ हार्ड है इसमें, कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और याद रखना है, इसमें भी पूरा याद रखने की कुछ जरूरत है क्या, सिर्फ आइसोगेमी याद हुआ तो एन आइसोगेमी अपने आप आ जाएगा, और एन आइसोगेमी आ गया तो मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अपने आप आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी आता है ऊगेमी। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये काफी जगह यूज करेंगे हम, ऊगेमी इसको याद रखना, इसको स्टार मार्क कर लेना, ऊगेमी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर जगह आता है। ठीक है, ऊगेमी आप देखो इसमें क्या होता है, एक बार रीड करते हैं पहले, उसके बाद अगर कोई डाउट रहा तो देखते हैं। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन, यूनिसेल यानी सेक्स ऑर्गन होगा दैट विल बी यूनिसेल्ड, सिंगल सेल्ड होगा। ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम एंड द फीमेल एज ऊगोनियम। ये वर्ड कभी सुने हैं आप लोगों ने, एंथेरिडियम ऊगोनियम एंथेरिडियम आर्किगोनियम, कभी सुना है, एक बार देख के बता दो, नो 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 नो, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू नो इशू नो इशू। एक और वन मोर थिंग, अगर ये जो सेशन होता है ना अपना, चलते चलते कभी कभी बीच में बंद हो जाता है, वो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, इफ बाय चांस रिजॉल्व हो जाता है सेम लिंक से वापस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सेम लिंक से वापस ज्वाइन कर लेना, और कोई नहीं, बीच में बंद हो सकता है, हम उसको भरोसा नहीं है, इसलिए पहले बता रहा मैं, यहाँ भाग जाओ आगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी हम काफ़ी लैग कर रहे थे, हम काफ़ी स्लो जा रहे थे, अभी थोड़ा हम फास्ट फास्ट निकलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब देखो कहीं भी अगर हम गैमेट की बात करेंगे ना, कहीं भी हम गैमेट की बात करेंगे, इन लोअर प्लांट्स, इन लोअर प्लांट्स जैसे अल्गी हो गया, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, तो वहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन की जब हम बात करते हैं ना, तो वो होगा देखो, इट इज द मेल विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज एंथेरिडियम एंड फीमेल विल बी कॉल्ड एज ऊगोनियम, एंथेरिडियम एंड ऊगोनियम, दिस ऊगोनियम समटाइम इन ब्रायोफाइट्स, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं आर्किगोनियम से, इससे आर्किगोनियम हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी वर्ड का उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्किगोनियम से रिप्लेस कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखो, द मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोल रहे हैं एंथेरिडियम, फीमेल को बोल रहे हैं ऊगोनियम। ठीक है, द एंथेरिडियम फॉर्म्स द मेल गैमेट, तो एंथेरिडियम है ना वो क्या निकालता है, एंथ्रेजोइड्स, एंथ्रेजोइड्स सिमिलर टू स्पर्म्स, एंथ्रेजोइड्स विच आर जनरली फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट होने का मतलब मोटाइल होंगे डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है, फ्लैजिलेट है, फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, मूवमेंट। ठीक है, तो एंथेरिडियम फॉर्म्स द मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रेजोइड्स विच हैज फ्लैजिला। ठीक है, एंड ऊगोनियम फॉर्म्स नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट कॉल्ड एज एग्स, फीमेल गैमेट क्या निकालेगा, एग्स, फीमेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे, एग्स
मेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रेजॉइट्स। ये एंथ्रेजॉइट्स एंड एग्स कहाँ से आएंगे, एंथ्रेजॉइट से एंड ऊगोनियम से, एंथ्रेजॉइट से एंड ऊगोनियम से। एंथ्रेजॉइट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन विल रिलीज व्हाट, एंथ्रेजॉइट्स। एंथ्रेजॉइट्स इज व्हाट, एंथ्रेजॉइट्स इज व्हाट, एंथ्रेजॉइट्स इज द मेल गैमेट, एंथ्रेजॉइट्स इज द मेल गैमेट, मेल गैमेट एंड एग इज द फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट व्हाट विल डू, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सिंपल वही चीज हम कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, देखो द ओगोनियम इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ एंथ्रेजॉइट्स विद द एग। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओगोनियम इज सीन इन द क्लैमाइडोमोनस कॉक्कीफेरा। ठीक है, एग्जाम्पल मोस्टली क्लैमाइडोमोनस ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड एल्गी है ना, इट इज मोस्टली क्लैमाइडोमोनस, बहुत ही डेवलप्ड है, इसलिए सारे जो चीजें होती है मोस्टली इसी में होती है, काफी बड़ा भी होता है इसका, अगर गूगल आप करोगे ना इमेज तो देखना है उसको। तो ओगोनियम में कुछ कंफ्यूजन लगा आपको, ओगोनियम में कुछ है, वापस से एक बार करें इसको। देखो इसमें क्या होगा, वहां पे देखो ऊपर वाले में ना हम सिर्फ गैमेट्स की बात कर रहे हैं कि वो सिमिलर है डिसिमिलर है, बट यहाँ पे ओगोनियम ना दे विल, इसमें एक प्रोसेस होगा जिसमें सेक्स ऑर्गन ही प्रोड्यूस होंगे, मतलब देर विल बी अ पर्टिकुलर ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ दैट अल्गी। उस पर्टिकुलर अल्गी के अंदर देखो बाकी जो है, जो ऊपर वाले जो पार्ट है ना वो अल्गी से ही निकल जाए, अल्गी से ही निकलेंगे, अल्गी में ही वो गैमेट बनेंगे, बट देर विल बी नो स्पेशल ऑर्गन फॉर इट, कोई ऑर्गन नहीं होगा, कोई एक सेल ऑफ अल्गी विल ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, गैमेटेंजिया बना देगा, वो गैमेटेंजिया विल रिमूव, विल रिलीज गैमेट्स। तो देर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर्म्ड, एल्गी के कोई ही सेल अपने आप ही गैमेट प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। बट ओगोनियम में क्या हो रहा है, देर इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कमिंग इन। पहली बार देख रहे हो आप कि पहली बार ऑर्गन्स आ रहे हैं, वो ऑर्गन्स का नाम क्या है, दो नाम है, क्या है नाम बताओ, क्या नाम है ओगोनियम में जो दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं मेल एंड फीमेल, उन दोनों का नाम क्या है, गुड अथर्व और बाकी प्रज्वल। एंथ्रेजॉइड्स आर द गैमेट, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं लोग। एंथ्रेजॉइड्स आर द गैमेट, लाइक ह्यूमंस में जो स्पर्म होता है ना, That is the gamete, but organ is something different. Same thing is यहाँ है, Anthridium is the structure, is the organ. Oogonium is the organ, and anthrozoids is the gamete which is released by that structure. Anthrozoids is released by whom? Anthridium. X is released by whom? Oogonium. ये चीज़ याद रखो, ये यहाँ पे confuse नहीं होना, ठीक है। आई होप अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया, इतना कुछ है भी नहीं। ये वर्ड जो है ना, एंथ्रीडियम ओगोनियम, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, ये आगे चल के और क्लियर हो जाएगा जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे ना, क्योंकि उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। वहां अगर ये नहीं समझ, यहाँ अगर नहीं समझ में आया तो वहां समझ में आ जाएगा, वहां नहीं आया तो नहीं आएगा, आई होप। बट आ ही गया होगा, अभी भी इतना तो कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज है। पहले एनाइसोगेमी, आइसोगेमी में हम कहीं पे ऑर्गन नहीं देख रहे थे, ओगोनियम दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म, ओगोनियम मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म, यहाँ पे ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स विल रिलीज गैमेट्स, गैमेट्स विल बी कॉल्ड एंथ्रेजॉइड्स एंड एग्स, एंथ्रेजॉइड्स विल बी मूवेबल एंड अपना एग विल बी नॉट मूवेबल, एंथ्रेजॉइड्स विल गो एंड फर्टिलाइज द एग। उसके बाद का स्टेप यू नो दैट साइकिल, वही साइकिल कंटिन्यू होने वाली, ऊपर जो हमने साइकिल देखी, ठीक है। तो इसमें हमने अभी क्या खत्म कर दिया, हमने ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी हमने खत्म कर दिया। तो हमने तीन टाइप के देखे थे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों टाइप हमने कर लिए, तीनों टाइप पे कल बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कल मतलब संडे, बार बार कल निकल रहा है, याद रखना उसको, संडे को बहुत क्वेश्चंस हैं, तीन ही है वैसे, मतलब ऑलमोस्ट अलगी के जितने क्वेश्चंस हैं सब यहीं से आ रहे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी क्वेश्चन है, इस चार्ट से कम पाँच क्वेश्चन है, कम से कम पाँच क्वेश्चन याद रख लो, अभी लिख लो कहीं पे, इतना हिंट मुझे लगता है कोई टीचर तुम्हें देगा, इस चार्ट से कम पाँच क्वेश्चन है। अब ये चार्ट अगर याद कर लिया, पाँच क्वेश्चन बन गए, सिंपल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये बोलोगे चार्ट कैसे याद करें, बहुत बड़ा है, तो बायो लिया है तुमने, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े चार्ट आने वाले हैं, ठीक है।
इसको देख के मत डर जाना। चले पढ़े, चले अभी चले, अभी तक क्लियर है? जल्दी से बता दो, यहाँ पे सब क्लियर है? आई होप कोई सो नहीं रहा हो, सब रिप्लाई करें। आई वॉन्ट सबका रिप्लाई यार, बहुत लोग, कितने, 15, देयर आर मोर देन 15 पीपल ज्वाइन इन। देखो नाम लेने पड़ेगा मुझे लग रहा है सबका, जो रिस्पॉन्स नहीं देता है। रिस्पॉन्स नहीं देने का क्या मतलब है? या तो समझ आया या नहीं आया, तो रिस्पॉन्स दो। रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे पता चलेगा क्या चल रहा है। ठीक है, देखो मीटिंग 5 मिनट में एंड हो रही है, तो इससे अच्छा मैं खुद से सेशन क्लोज करके वापस करता हूँ, रीज्वाइन करते हैं, फिर से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से रीज्वाइन करते हैं, रीज्वाइन हो जाना। ठीक है।